नर्मदा जिल्लाना नांदूद विधानसभाना आम आदमी पार्टीना उम्मीदवार डॉक्टर प्रफुल्ल वसावाना प्रचार माटे पंजाबना मुख्यमंत्री भगवंत माननो रोड शो योजायो हतो। मतदानने हवे गणतरीना दिवसो बाकी छे त्यारे राजकीय पक्षो द्वारा मतदारोने रीझवा माटे एडी चोटीनुं जोर लगावी रह्या छे। राजपीपळा खाते आम आदमी पार्टी द्वारा योजायेल रोड शोमां भगवंत मानने निहाळवा माटे मोटी संख्यामां लोको उमटी पड्या हता। परिवर्तन की लहर चल रही है, जहां भी हम जाते हैं लोग कहते हैं कि हमारा 27 साल पुराने सिस्टम से पीछा छुड़वा दो। लोग बस जाते किसी नदी के घाट पर, अगर ये नेता लोग बस जाते तो लोगों के प्यासे होंठ भी दो बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं गुजरात वालों, इस बार तो बदलो। पहले आपके पास विकल्प नहीं था, अब तो विकल्प ही ऐसा आ गया है जो सफाई करता है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया दिल्ली में बिजली मुफ्त मिल रही है, भाई साहब दिल्ली में पानी मुफ्त मिल रहा है, इलाज मुफ्त हो रहा है, बहुत शानदार हॉस्पिटल बना दिए। पंजाब में हमने वादा किया कि बिजली के बिल मुफ्त हो जाएंगे, तो विपक्ष कह रहा था नहीं हो सकते, पैसे कहां से आएंगे। 1 जुलाई से हमने बिजली के बिल 600% माफ किए हैं। 74 लाख मीटरों में से 60 लाख के आसपास मीटरों को जीरो मिला है, जीरो। यहाँ पंजाब वाले लोग भी घूम रहे होंगे, उनसे पूछ लेना। आम आदमी पार्टी, मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, सर्वे में तो बहुत कम आ रही हैं। मैंने कहा आम आदमी पार्टी है सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में ही आती है। एक परसों मेरे रोड शो में 5-7 लड़के नारे लगाने लगे, मोदी मोदी। मैंने कहा जी इनके लिए तालियां बजाओ, चलो कम से कम 5-7 ही सही, इनके खाते में 15-15 लाख तो आ ही गया होगा। बोले जी नहीं आया। मैंने कहा मेरे ये क्यों कह रहे हो? कहते जी पैसे लिए हैं इसके भी, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। तो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। और दिल्ली में भाजप की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा ये आसान तरीका है, उनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल,